Guys, my name is Dale and you are watching the Biomer Dude. Today we are discuss the arthroscopy machine. The arthroscopy is a procedure who diagnose and treatment the human joints like bone joints or others. और इसमें जो आता है ankle joints, shoulder joints और different दूसरे जो है knee के और दूसरे procedure जो है इसके अंदर हम treatment करते हैं और उनका replacement या उसकी diagnosing सारी वो treatment करते हैं. सो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से जो है वो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और ये पूरा जॉइंट कैसे तैयार होता है और इसको किस तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है. जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा एक टावर है, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व हैं, LCDs हैं और इसके अलावा शेवर है, पम्प्स हैं और बाकी चीज़ें हैं. तो मैं वन बाई वन आपको बताता हूँ कि इसके इसके क्या काम होते हैं, किस तरीके से ये काम करता है और इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है और इसमें अगर कोई फॉल्ट्स आते हैं उसको किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये नंबर वन पे मैं बात करूं तो ये इसका जो है HD कैमरा सिस्टम है, जो कि इसका मॉडल है 56P हाई डेफिनेशन कैमरा सिस्टम. ये स्मिथ एंड नेफ्यू का जो है ये मॉडल है. ये इसका पावर ऑन ऑफ बटन है. अभी मैं इसको ऑन कर लेता हूं और ये अपनी कैलिब्रेशन करने के बाद इसका वो बताएगा कि इसके अंदर. और यहाँ पे जो है इसका कैमरा कनेक्टर लगाता है, वो भी मैं आपको ला के देता हूँ. यहाँ से वाइट बैलेंस होता है, कलर कम्बिनेशन और बाकी ब्राइटनेस और इन्हांसमेंट वगैरह यहाँ से कंट्रोल होती है. यहाँ से मेन्यू की डिफरेंट सेटिंग्स आती है और ये LCD ऑन हो गई है. तो अभी मैं आपको कैमरा लगा के चेक करवाता हूँ. ओके, तो ये इसका कैमरा कंट्रोल यूनिट जो है, कैमरा हेड यूनिट है और इसकी जो है ये इसका हेड है और इसकी जो है डिफरेंट मार्किंग की हुई है. तो अभी हम इसको इसमें इंसर्ट करते हैं. तो इसका तरीका यही होता है कि इसके अंदर एक मार्किंग बनी हुई है, तो ये यहाँ पे इसका वो बना हुआ है एरो का निशान, उसको सीधा रख के हम इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे. तो ये कैमरा कंसोल जो सिस्टम है ये रेडी हो गया है, इसको हमने ऑन भी कर लिया है. इसी तरह ये नीचे आते हैं तो हमारे पास ये सक्शन इरीगेशन जो है ना, इसका पम्प मौजूद है. ये भी ये कॉन्वेंट का यूनिट है और चूंकि ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में बाज़ दफ़ा यूनिट बनते हैं तो ये कॉन्वेंट का है और इसके ऊपर सारे इसके दो पंप बने हुए हैं और यहाँ पे इसका ऑन ऑफ है और बाकी सारे फंक्शंस हैं. इसी तरह मैं नीचे आता हूँ तो हमारे पास ये शेवर है, जो कि ये भी कॉन्वेंट का है. इसका मैं पर्पज़ आपको बाद में बताता हूँ ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं. और सिमिलरली इसी तरह ये नीचे हमारे ये लाइट सोर्स है, ये भी कॉन्वेंट का है. इसको हम जो है वो अपना कैमरा कंट्रोल यूनिट उसके साथ अटैच करेंगे. इसी तरह नीचे एक जो है ना इसका ये पैडल पड़ा हुआ है जो कि शेवर के साथ इस्तेमाल होता है. और ये हमारा DVD राइटर या DVD कंट्रोलर है जो कि डाटा को सेव करता है. अच्छा, मेन इसकी स्क्रीन की बात करें, ये हमारे पास एक हाई डेफिनेशन HD जो है रिजल्ट वाली मेडिकल ग्रेड की बड़ी LCD है. इसके साथ हमारे पास ये छोटी एक LCD है जो कि टीचिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है. तो जो मेन्यू यहाँ पे शो हो रहा है वही इसके ऊपर शो हो रहा होता है. ओके, तो अब हम जो है ना लाइट सोर्स की जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे. इसका ये यहाँ पे हमारे पास लाइट सोर्स मौजूद है और इसके दो कनेक्टर हैं जो कि लॉन्ग नोज़ल वाला है वो इसके अंदर इंसर्ट होता है और उसके साथ कनेक्ट करता है. इसको लगाने का तरीका ये होता है कि ये जो लॉक है इसको हम रिलीज़ करते हैं और इसके साथ इसमें अटैच कर देते हैं. ये भी अटैच हो गई है, इसको मैं पावर ऑन कर लेता हूँ और इसका ये जो लाइट ब्लिंक करेगी और इसके बाद यहाँ पे हमें जो है ना वो लाइट इसकी फाइबर ऑप्टिकल की लाइट पर अभी वो स्टैंड बाय भी है और इसके साथ लैम्प की लाइट बता रहा है. इसके अंदर बेसिकली ज़ीनॉन लोड्स जो है सोर्स जो है ना वो इस्तेमाल होता है. अब आजकल जो है ना वो लाइट्स LED लाइट वाले भी मार्केट में मौजूद हैं. इसको मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इसकी लाइट जो है ना वो आ गई है. इसकी ब्राइटनेस को कम करने के लिए यहाँ से जो है वो मैं इसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकता हूँ. इसको हम कैमरा के साथ अटैच करते हैं आगे ताकि व्यू जो है वो हमें क्लियर नज़र आए. सो गाइस, दिस इज़ इरीगेशन पम्प हु प्रोवाइड एंड डिलीवर द इरीगेशन फ्लूइड टू द सर्जिकल साइट सच एज नी, शोल्डर, हिप, एल्बो, एल्काइन, एंकल एंड रिस्ट जॉइंट्स. उनकी जो कैविटीज़ है उसके अंदर ये फ्लूइड प्रोवाइड करता है ताकि उसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी रहे.
और इसकी जो है वो इसके साथ ट्यूबिंग इस्तेमाल होती हैं जो कि कंज्यूमेबल्स होती हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी ट्यूबिंग है जो यहाँ पे इसके साथ लग जाती हैं और इसके साथ फ्लूड जो है वो लगा दिया जाता है। अभी ये इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं जो मैं वन बाई वन आपको बता देता हूँ। इसको मैं पावर अप कर लेता हूँ अभी, तो इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो है इसका वो डिफरेंट साइन आ जाते हैं, इसमें रन और जो स्टॉप की ऑप्शंस हैं और उसके साथ इसके डिफरेंट मोड्स हैं कितने आरपीएम पे आपने चलाना है और क्या करना है और इसके यहाँ पे फ्लूड कहाँ लगना है। ये इसका लॉक की है और इसके साथ डिफरेंट इसकी कन्फिग्रेशन आती हैं और यहाँ पे इसका पैडल लग जाता है कि आप उसको पैडल के साथ भी रन ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा आर्थोस्कोप का, वो है आर्थोस्कोपी शेवर। जो आर्थोस्कोपी शेवर है वो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको कट ऑफ करने के लिए और कार्टिलेजेस हैं उनको रिमूव करने के लिए जो है इस्तेमाल होता है, और ये ट्रिमिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका भी सेम वही तरीका है, इसमें जो है ऑन ऑफ बटन है इसका और इसके साथ एक हैंड पीस लगता है जो कि इसको कनेक्ट करता है। ये भी कॉनमेंट का यूनिट है। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ तो ये अपनी सेल्फ टेस्ट पास करेगा और आपको बताएगा कि ये सेल्फ टेस्ट पास होने के बाद वो आपको बताएगा कि हैंड पीस जो है वो कनेक्ट करें। इसका हैंड पीस जो है वो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो वो लगते हैं कटर लगते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका हैंड पीस है जो कि कनेक्ट हो जाता है और इसकी इस टिप के ऊपर यहाँ पे इसके जो है ना वो कनेक्टर लगते हैं जो कटिंग प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ ये कनेक्टर जो है ये इसके अंदर लग के इंसर्ट होके इसका फंक्शनल प्रॉपर काम करता है। तो आर्थोस्कोप और लेप्रोस्कोप में जो अगर आप डिफरेंस की बात करें तो इसमें यही होता है कि ये जो आर्थोस्कोपी है ये स्मॉल जो इंसाइंस हैं उसके ज़रिए कैमरा इंसर्ट करते हैं और जॉइंट्स की ट्रीटमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें नी, हिप, शोल्डर, अल्काइन, एल्बो वगैरह हैं। तो लेकिन जो लेप्रोस्कोपिक है वो भी सिमिलर इक्विपमेंट्स हैं, सिमिलर टेक्निक यूज़ होती हैं, लेकिन उसके अंदर जो है वो बॉडी की कैविटी जो है ना वो इन्वॉल्व होती है। आप बॉडी की कैविटी के अंदर जो है वो कर सकते हैं, उसमें जॉइंट्स जो है ना उसमें आप नहीं कर सकते। ये तो ये मेन डिफरेंस है और दोनों का प्रोसीजर और टेक्निक एक ही तरह की होती हैं। और इसी तरह एक टेक्निक यूज़ होती है आर्थोप्लास्टी और आर्थोस्कोपी। जो आर्थोप्लास्टी है उसमें जो है वो हम ट्रीटमेंट जो है वो टोटल जो है नी रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट जो मार्केट में आर्टिफिशियल जॉइंट्स मौजूद हैं उसकी हम रिप्लेसमेंट करते हैं, और जो कंपैरिजन अगर हम इसका करें तो जो मेजर ओपन सर्जरी है वो इन्वॉल्व होती है आर्थोप्लास्टी के अंदर, और इसमें जो आर्थोस्कोपी है इसके अंदर ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती। जी तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आर्थोस्कोपी, आर्थोप्लास्टी और लेप्रोस्कोप इसमें क्या डिफरेंस हैं और किस तरीके से इसके प्रोसीजर्स होते हैं और आर्थोस्कोपी के अंदर कौन कौन से जो है वो इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व हैं और इसको किस तरीके से फंक्शनल आप कर सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसके साथ जो है वो रिज़ल्ट कैसे आते हैं और किस तरीके से ये काम करती है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मज़ीद जो है वो कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट किसी और इक्विपमेंट की वीडियो बना के आपसे ज़्यादा शेयर करूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू।